दर्शकों नमस्कार, सपनों की उड़ान पार्ट टू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा में। दर्शकों, अब हमारे सामने बैठी हुई हैं फैज़ा अंसारी। फैज़ा, पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धा सुनो पर। धन्यवाद, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ यहाँ पर आप सभी के समक्ष। थैंक यू। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं फैज़ा? मैं 11वीं कक्षा में हूँ। अच्छा, आपके सब्जेक्ट के बारे में बताइए। मैंने PCB ली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसी के साथ फिजिकल एजुकेशन है। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन भी आप लेके चल रही हैं जी। PCB सब्जेक्ट लेने के पीछे का जो एक्चुअल मकसद है, जो एम है आपका, वो क्या है? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने PCB चूज़ किया है। अच्छा, बहुत अच्छा, नेक आपका उद्देश्य है। तो जैसा आप कह रही हैं कि आप डॉक्टर बनेंगी, नीट क्वालिफाई करने के लिए जाहिर है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तो आपने अपना एक्शन प्लान क्या बना रखा है, किस तरीके से आप शेड्यूल कर रही हैं अपने स्टडी को? जी, तो 11th और 12th की जो पढ़ाई होती है वो नीट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और मैंने अभी से ही मेहनत शुरू कर दी है। मैंने ले रखा है कोर्स, और मैं रोज़ 4 घंटे उसके लिए कोचिंग क्लासेस भी करती हूँ। तो अगर हम शुरुआत से ही लेकर चलेंगे तो हमारा चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। ओके, आप जैसे नीट की तैयारी कर रही हैं, जाहिर है आपका ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में लगता होगा। जी जी। तो कभी स्ट्रेस या फिर कहीं पर कुछ टेंशन महसूस करती हैं? जी, मैं होता है कभी कभी के दबाव होता है थोड़ा, या फिर थोड़ा लगता है कि आसपास वाले जो और लोग हैं वो भी तुम्हारी तरह उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर फील होता है। लेकिन उससे बचने के लिए आप अपने आसपास जो दोस्त हैं, जो घर वाले हैं, उनसे बात करके और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें शेयर करके आप उससे अच्छा फील कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता कि ये जो डिसीजन है कि आप नीट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ये आपका है या फिर पेरेंट्स का कहीं दबाव हुआ? पहले तो मैं जैसे एक शिक्षक बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे दोनों मम्मी पापा दोनों ही टीचिंग करियर में हैं। ओके। तो लेकिन लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ था कि आई लॉस्ट समवन क्लोज इन माई फैमिली, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ था। तो तब से फिर मैंने सोचा कि मुझे भी एक डॉक्टर बनना है और लोगों की जान बचानी है। बहुत अच्छा, नेक आपका पर्पज़ है, जो आप मेडिकल की तैयारी करके आप MBBS बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं जी। तो ये बहुत नेक कार्य आप हमारे समाज के बीच में करेंगी। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की और टेंशन को कैसे रिलीज करती हैं, तो उसके लिए क्या आप सहारा लेती हैं, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हैं या फिर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करती हैं? मैं अगर मुझे भी कोई भी स्ट्रेस फील होता है तो मैं मेरे जो भी आसपास लोग हैं उनसे बात कर लेती हूँ, या फिर कभी कोई गाने सुन लिए, या जो भी हमारी हॉबीज़ हैं थोड़ा उन्हें टाइम दे दिया, पढ़ाई से भी थोड़ा ब्रेक ले लिया, तो उससे आप ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं करते। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आता ही है, तो फिर हो जाएगा। आप केवल गाने सुनने का शौक रखती हैं, गाती भी हैं? मुझे गाना सुनना ज़्यादा पसंद है। कुछ दो लाइन किसी सिंगर के जो आपके फेवरेट हों गा के सुना सकती हैं? एक गाना है ओल्डर। I used to close my eyes when my mother screamed in the kitchen. I turned the music on and get high and try not to listen to every little fight, 'cause neither one was right. I swore I'd never be like them, but I was just a kid back then. The older I get, the more that I see, my parents aren't heroes, they're just like me. And loving is hard, it not always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know, sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet, the older I get. Thank you. Okay, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। अच्छा,
इसके अलावा से सिंगिंग आप करती हैं, आपको शौक म्यूजिक सुनने का है जी। क्या इंडियन सॉन्ग्स को भी आप पसंद करती हैं? जी जी, अरिजीत सिंह और अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, सबके गाने मैं सुनना पसंद करती हूँ। अच्छा, आप सिंगिंग के अलावा आपकी जो आपका इंटरेस्ट है वो किस तरफ है? स्पोर्ट्स को भी आप खेलती हैं? स्पोर्ट्स में तो नहीं, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, अलग अलग कॉमिक्स और जो भी फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, तो उससे हमारी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। बिल्कुल। और बहुत सी नॉलेज भी मिलती है एक्स्ट्रा, तो मुझे उनमें ज़्यादा रुचि है किताबें पढ़ने में। तो किस टाइप की बुक्स आपने पढ़ी हैं, कोई जो बिल्कुल लिटरेचर इस टाइप का हो? मैंने अब्दुल कलाम के लिटरेचर्स पढ़े हैं और शेक्सपियर्स के भी प्लेस पढ़े हैं और कुछ कॉमिक्स हैं ऐसे ही नॉर्मली लोकल भी होती हैं, वो भी बहुत सारी पढ़ी हैं। कलाम जी बेसिकली हमारे समाज के लिए एक मोटिवेशन का एक रोल मॉडल हैं जी। जी, उनको, उनके विचारों को सभी बच्चों को पढ़ने चाहिए और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि अगर आपकी लाइफ में फेल्योर आता है तब भी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको आगे फिर से उठ खड़ा होना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। आपको उनका कोई ऐसा लाइफ का संस्मरण याद है, कोई ऐसी मेमोरीज आप यहाँ पे बता सकती हैं? अब्दुल कलाम जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो वो बहुत से, उन्होंने बच्चों के पास जाकर भी बहुत से ऐसे सेशंस करे हैं कि बच्चों को वो इंस्पायर कर सकें, तो मुझे उनकी ये बातें बहुत पसंद है। और उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें भी कही हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशनल होती है और इंस्पिरेशनल होती हैं, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो मेरे लिए एक टाइप से बहुत बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। हम उनसे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं कि जब हम कहीं पर निराशा की ओर जाते हैं, जब हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो उनको अगर हम पढ़ें, उनके कोट्स अगर हम पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से हम रीएनर्जाइज होते हैं जी। बाकी जैसे आप फ़र्ज़ करिए आप डॉक्टर बन जाती हैं, आप जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं अभी से, तो आपका क्या रहेगा समाज में, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? मैं डॉक्टर बनके मैं एक विद्यालय खोलना चाहती हूँ गरीब बच्चों के लिए, और मतलब जो भी थोड़ा बैकग्राउंड, जिनका थोड़ा वीक है, हाँ, वीक, उनके लिए मैं एक संस्थान खोलना चाहती हूँ और एक हॉस्पिटल भी खोलना चाहती हूँ जिससे हमारा देश प्रगति की ओर और प्रगति करे। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं और हम तो यही कामना करेंगे, हम आपको यही ब्लेसिंग्स देंगे कि आप अपनी मेहनत से पढ़ाई करें और जिस ऑब्जेक्ट को लेकर के, जिस एक लक्ष्य को लेकर के, टारगेट को लेकर के आप चल रही हैं उसमें आप सफल हों। आप हमारे चैनल पर आई, आपने हमसे बातचीत करी और आप गाती भी अच्छा हैं, और कभी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगी, जैसे नेक्स्ट ईयर आप अटेम्प्ट करेंगी, तो फिर आपसे मुलाकात होगी और आपसे बातचीत करेंगे। काफ़ी चीज़ें जो इस सेशन में रह गई हैं वो हो सकता है आने वाले समय में जब आप बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो जाएंगी नीट में, तब हम आपसे बात करेंगे। बहरहाल थैंक यू।